तांग वुटोंग सोल स्पिरिट के मामले में बहुत लकी है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसके पिता तांग सान के पास दो स्पिरिट है, पहली ब्लू सिल्वर ग्रास के ई और दूसरी हाउशन क्लियर स्काई हैमर की। इसके अलावा वह डुअल गॉड बन गए, जो कम सरप्राइज की बात नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि टैंग वुटोंग अपने पिता से भी आगे निकल गई है, क्योंकि मूल के अनुसार उसके पास तीन सोल स्पिरिट है। हाँ, सोल लैंड भाग में पहले से ही दो सोल स्पिरिट सोल सोल मास्टर्स की उपस्थिति एक चमत्कार की तरह लग रही थी, लेकिन एक साथ तीन सोल स्पिरिट की उपस्थिति, यदि आपको लगता है कि यह एक मास्टर के लिए बहुत अधिक है तो कमेंट में लिखें। वैसे तांग वुटोंग के होने वाले पति हो युहाओ के पास भी तीन सोल स्पिरिट है। यदि आप निश्चित रूप से रुचि रखते हैं तो बाद के वीडियो में हम निश्चित रूप से उनके स्किल्स पर करीब से नजर डालेंगे। तो तांग वुटोंग की पहली सोल स्पिरिट रेडिएंट गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई की है या एक सील्ड डिवाइन स्पिरिट है, जो कि पूरे डुलुओ मेनलैंड में सिर्फ तांग वुटोंग के पास ही है। बास टैंग वुटोंग की दूसरी सोल टैंग सैन से आती है, जो की क्लियर स्काई हैमर है। कई लोग सोचेंगे क्लियर स्काई हैमर महाद्वीप में सबसे अच्छी सोल स्पिरिट है, लेकिन फ्यूचर में तांग वुटोंग इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि फैक्ट की बात यह है कि ड्रैगन बटरफ्लाई ब्रूटल स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिवनेस के मामले में हामा से कभी नहीं हारेगी। यह या तो हामा के बराबर है या उससे थोड़ा बेहतर होगी। फिर भी यह सोल स्पिरिट गॉड्स के उपहार के रूप में टैंग वुटोंग के पास थी। लेकिन उसकी तीसरी सोल स्पिरिट क्या है? जानने से पहले वीडियो को, क्या आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया कि नहीं, प्लीज ब्रो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दियो प्लीज। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वास्तव में तांग वुटोंग की तीसरी सोल स्पिरिट पूरी तरह से रियल स्पिरिट नहीं है और इसके बारे में नॉवल में काफी कुछ बताया गया है। तांग वुटोंग की तीसरी सोल स्पिरिट सी गॉड की है, या अधिक सटीक रूप से यह उसकी नौवीं अंगूठी और समन सी गॉड स्किल भी शामिल होगी। उसकी तीसरी सोल स्पिरिट को हाफ सोल कहा गया है, यानी इमेजिनरी या फिर फॉल्स सोल स्पिरिट भी कह सकते हो। क्या तांग वुटोंग अपने पिता को बुला सकती है? सहमत हूँ, टैंग वुटोंग को एक क्रिटिकल मोमेंट में अपने सी गॉड डैड टैंग सैन को बुलाते हुए देखना बहुत अच्छा है, और वह अपनी बेटी के सभी एनिमी से निपटने के लिए तैयार होकर अपनी ग्लोरी और मैजेस्टिक के साथ स्वर्ग से उतरता है। लेकिन चीजें थोड़ी अलग है। जब टैंग सैन ने अपनी बेटी तांग वुटोंग को मार्शल महाद्वीप में जाने दिया तो वह उसे बिना किसी चीज के कैसे छोड़ सकता था और उसकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख सकता था। इसलिए खतरे की स्थिति में उसकी रक्षा करने के लिए तांग सैन ने एक सीगॉड के रूप में उसे समन सीगॉड नाम की एक क्षमता भी दी, जो की बो सैक्सी की नाइन्थ रिंग की समान पावरफुल है। परिणाम स्वरूप जिसे एक विशाल सीगॉड अवतार प्रकट होता है जिसके हाथ में थे। हालांकि अब यह बो सैक्सी जैसा पूर्व सीगोर्ड नहीं है, बल्कि फैंटम सीगोर्ड तांग सैन है। यह स्पिरिट खास है और 10,000 साल पहले की बो सैक्सी की सोल से थोड़ी अलग है, क्योंकि इस फैंटम सीगोर्ड तंसन के इस स्पिरिचुअल बॉडी में कोई रिंग्स नहीं लगाई जा सकती। तांग सान की चेतना की इच्छा से रूपांतरित होकर वह तांग वुटोंग के अंदर मौजूद है, लेकिन पूरी तरह से उसका नहीं है, संभवत है भी नहीं, क्योंकि यह कोई वास्तविक स्पिरिट नहीं है। जब से तांग वुटोंग डुलुओ मेन लैंड में उतरी, उस पर ट्राइडेंट का मार्क अंकित हो गया था। यह उसे नुकसान से बचाने के लिए था। जब भी कोई सीधे तौर पर उसके स्पिरिचुअल सी को निशाना बनाने की कोशिश करता, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, वह प्रकट हो जाती थी। इससे वह अधिकांश स्पिरिचुअल अटैक और प्रभावों से इम्यून हो गई थी। टैंग वुटोंग के लिए एक मुहर भी लगाई गई थी, ताकि उसके परिवार के अलावा कोई भी उसके करीब न आ सके। जब तक उसकी यादें वापस आती है, का निशान और भी अधिक प्रमुख होता जाएगा। अपनी शक्ति का उपयोग करके वह तांग वुटोंग के एबिलिटीज में सुधार कर सकती है। इससे उसे सी के कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट पर रूल करने की राइट्स भी मिली। वह अपने माथे पर निशान के साथ साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। टैंग सैन की रिश्तेदारी के माध्यम से वह अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को सीगॉड ट्राइडेंट प्रोजेक्शन में बदलने में सक्षम है। इसके साथ तांग वुटोंग सीगॉड के जैसे ही गोल्डन होल्स बना सकती है, जो कि सीगॉड ट्राइडेंट के पहली स्किल है। वह अपनी ब्लडलाइन की वजह से सभी समुद्री स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है। इस सब से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तांग वुटोंग की तीसरी आत्मा तांग सैन की डिवाइन कॉन्शियसनेस बंडल। वह अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपना डिवाइन सेंस थ्रेड को तांग वुटोंग में रख दिया। हालांकि तांग वुटोंग सीगॉड मार्शल सोल करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का उपयोग करना होता है, जिससे उसकी ब्लडलाइन की पावर और भी मजबूत हो गई।
इसीलिए जब एक बुजुर्ग ने वांग डोंग के जीवन के अनुभव को देखना चाहा, तो उसे किसी चीज ने अवरुद्ध कर दिया और शायद यह तांग सैन की डिवाइन कॉन्शियसनेस थी। हालांकि यह काफी लॉजिकल लगता है और गॉड टैंग सैन के पास ऐसी शक्ति थी। यहां तक कि 1 मिलियन पुराना आई सिल्कवॉर्म भी हो युहाओं को एक अतिरिक्त दूसरी सोल प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो टैंग सैन गॉड किंग के रूप में किसी भी फाइट में क्यों नहीं? शायद तांग सैन मूल रूप से तांग वुटोंग को अपने सीगोर पद का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि हो युहाओं को असुर भगवान का पद प्राप्त हो सकता था। और मार्शल महाद्वीप के एक हिस्से में तांग सान यह भी चाहता था कि हो युहाओं और तांग वुटोंग को और लाइफ के दो गॉड किंग के पद विरासत में मिले। तांग वुटोंग की तीसरी हाफ सोल स्पिरिट के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह कितना उपयोगी है? कमेंट में लिखें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाय बाय।